दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के दो बेस्ट टैबलेट्स का, जिसमें पहला टैबलेट आता है लेनोवो की तरफ से और इसका नाम है लेनोवो M10 और दूसरे टैबलेट का नाम है ऑनर पैड 5 और ये अपनी प्राइस रेंज में काफी वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा टैबलेट आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि ऐसी क्वालिटी टेक्निकल वीडियोस हम रोज लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में। दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं और काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें दोनों ही टैबलेट के डिस्प्ले के साथ में, तो लेनोवो M10 में आपको मिलता है 10.1 इंच का HD रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल, जिसका ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है और कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और मूवीज़ के लिए टैबलेट काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है। अगर बात करें ऑनर पैड 5 की, तो इसमें आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो इन कंपेरिजन छोटी है लेनोवो M10 से। और इसमें आपको फुल HD वाला रेजोल्यूशन मिलता है, जो बेटर है लेनोवो M10 के मुकाबले में। और इसमें भी आपको IPS LCD की ही डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर लेनोवो M10 आपको वाईफाई ओनली मिलता है और ऑनर पैड 5 में आपको 4G का सपोर्ट भी मिलता है। अगर बात करें दोनों के ही प्रोसेसर की, तो यहाँ लेनोवो में आपको स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, जो नॉर्मल टास्किंग में काफ़ी अच्छा है। डेली परफॉर्मेंस में कोई भी लैग हैंग या इश्यूज नहीं आएंगे, पर गेमिंग के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर नहीं है। अगर बात करें ऑनर पैड 5 की, तो यहाँ पर चमकता है, क्योंकि इसमें आपको किरीन 710 प्रोसेसर मिलता है, जिसका एंथुतु स्कोर लगभग 2 लाख का है। और इसमें आप PUBG भी खेल सकते हैं बिना किसी फ्रेम ड्रॉप्स के या लैग या हैंग के, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में लेनोवो के कंपैरिजन में। दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स हम डालते रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोनों ही टैबलेट के कैमराज की, तो लेनोवो M10 में आपको रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और दोनों ही कैमरा काफ़ी अच्छे काम करते हैं, अगर ये डे लाइट में फोटोज़ क्लिक की जाए तो। अगर अच्छी सफिशियंट लाइट है तो काफ़ी अच्छी फोटोज ये लेता है, पर डिम लाइट में काफी ग्रेनी फोटोज लेता है। अगर बात करें ऑनर पैड 5 की, तो इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन मिलता है और दोनों ही कैमरास काफी अच्छे से काम करते हैं सफिशियंट लाइटिंग में, और ये भी डिम लाइटिंग में थोड़ी सी ग्रेनी पिक्चर्स लेता है। अगर बात करें बैटरी की, तो लेनोवो M10 में आपको 7000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसमें आप आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप पा सकते हैं, और ये हैवी गेमिंग पे भी आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देगा। अगर बात करें ऑनर पैड 5 की, तो बैटरी इसमें थोड़ी सी छोटी है, पर डिस्प्ले भी आपको छोटी मिलती है, तो ऑन एन एवरेज बैटरी बैकअप आपको लगभग लेनोवो जैसा ही मिल जाता है। और इसमें आपको 5100mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और दोनों में ही नॉर्मल चार्जिंग मिलती है, कोई खास ज्यादा पावरफुल चार्जिंग नहीं मिलती। दोनों के अगर स्टोरेज की बात करें, तो दोनों में ही आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और दोनों ही एक्सपेंडेबल है। ऑनर पैड 5 आपको 512GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलता है, और लेनोवो में आपको मात्र 256GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलता है। अगर आपको लेनोवो M10 में 4G का सपोर्ट चाहिए, तो आप इसके लिए 4G वेरियंट भी ले सकते हैं, और इसका एक ऐसा वेरियंट है जिसमें आपको वाईफाई प्लस 4G दोनों ही मिल जाता है, और उसकी प्राइस 17,999 रुपये है। पर 15,000 रुपये में आपको सिर्फ वाईफाई वेरिएंट ही मिलता है। दोनों की ही बिल्ड काफी अच्छी है, और ऑनर में आपको मेटालिक बिल्ड मिलती है पीछे की तरफ से, और आगे की तरफ से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और लेनोवो में आपको आगे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन तो मिलता ही, और पीछे की तरफ बैक इसमें प्लास्टिक है और काफी मैट फिनिश दिया गया है। और दोनों ही टैबलेट काफी अच्छे हैं, दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर, जिसमें आपको साउंड की क्लैरिटी काफी अच्छी आती है, और मीडिया कंजम्पशन के लिए लेनोवो ज्यादा अच्छा टैबलेट बन जाता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन और डिस्प्ले काफी बड़ी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।